आप सब लाइन लगाकर आए तो आसानी से और जल्दी मिलेगा। अगर आपको तीन लाइन लगा के आओगी फिर हो जाएगी, परेशानी होगी। गर्मी ज़्यादा बोलना नहीं चाहते। ये अवामी खिदमत कमेटी का प्रोग्राम आज ईद के लिए रमजान के मौके पर लोग नहीं कपड़े बन रहे हैं, जो किसी मजबूरी की तरफ से कपड़े नहीं बना पाते हैं। आप उधर हो जाएंगे लाइन से आए और एग्जाम में हिस्सा लें। दो लाइनें ना लगाएं, सिंगल लाइन लगाएं। थोड़ा आप उधर खोले, उधर खोले, पहले लेडीज अभी रुक जाओ यार, लेडीज का तो देखने दो। अभी रुक जा, अभी रुक जा। तो तीन दिन लाइने मत लगाओ, सड़क है आगे, परेशानी होगी। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाओ, मिलेगा सबको। अगर पर्ची आपके पास है तो मिलेगा। अवामी खिदमत कमेटी हर साल 4वें रोजे को हमारे पीराने पीर दस्ते की बड़े पीर साथी और खुशी के सिलसिले में गरीबों को नए कपड़े बांटती है। और अवामी खिदमत कमेटी का ये मकसद रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईद की खुशी के मौके पर रमज़ान में नए कपड़े पहन सकें और खुशियाँ मना सकें। हमारी सरकार की सूचना है नंगे को कपड़े पहनाना, भूखे को खाना खिलाना और गरीब की मदद करना। हम पूरे हिंदुस्तान या पूरी दुनिया के इंसानों से हम गुजारिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास से पैसे निकालें ज़कात के 2.5% के हिसाब से और गरीबों की मदद करें। उन्हें नए कपड़े पहनाएं, जिनके पास चप्पल नहीं है उन्हें चप्पल पहनाएं, खाना खिलाएं और उनकी मदद करें। अवामी खिदमत कमेटी आज कपड़े बांटेगी, बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद है। लेडीज सूट, जेंट्स सूट, चप्पलें भी हैं, जानमाज़ें भी हैं और ज़रूरत के बाकी के औरतों के सामान हैं, क्योंकि जिनके मर्द ख़त्म हो जाते हैं उन औरतों को खाने पीने की बहुत दिक्कत रहती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो कहीं पे काम करने के लिए जाती हैं तो घर में बच्चे का ख़तरा बना रहता है, कोई उठा के ना ले जाए, कई मजबूरियाँ रहती हैं। इसलिए हम अपील करते हैं और गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं निकलें, जो गरीब हैं उनके घरों पर राशन भरवा दें ताकि खाने पीने की परेशानी ना हो। किसी कोई गरीब लड़की हैं तो उनकी शादियाँ कराएँ और बीमारों का इलाज करा दें, बच्चों की तालीम करा दें। गरीबों की बहुत दुनिया परेशान है इस वक्त कारोबार को लेकर। हमें अपने अपने घरों से निकलना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और हकदार के तक अपनी ही ज़कात पहुँचाएँ। अगर किसी गलत हाथों में ज़कात दे दी गई तो ज़कात को मानी नहीं जाएगी और उसके वक्त ज़िम्मेदार खुद होंगे। कुरान और हदीस की रोशनी में है कि आप ढूँढिए और हकदार के पास हक को पहुँचाइए और ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कीजिए। इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब होता है। हमारी अवामी कमेटी का मकसद है इंसानियत। हम धर्म को आड़े नहीं आने देते, हर धर्म के लोगों की खिदमतें करते हैं। 24 घंटे हम लोग तैयार रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और हमारे साथ सब लोग जुड़े हैं। यही वजह है कि हम लोग 12 साल से खिदमत को अंजाम दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जब तक हम लोग रहती दुनिया तक टीम तैयार कर रहे हैं कि वो काम करती चली जाए और बेहतर से बेहतर काम करें इंशाअल्लाह।